देखिए हैंड कंट्रोलर हो गया, एक ये ड्रोन हो गया। ये ककड़ क्या हो रही है इसके? तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? भाई अभी उठे हैं, रनिंग के लिए जाएंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे और फिर करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। आज तो भाई सुबह सुबह रूहानी रोने लगी है भाई, मनाते हैं उसको ना, एक थप्पड़ एक छोटा सा चाटा लगाया मजाक में। कह रहे मजाक में भी क्यों लगाया? ये देखो, ये देखो शुरू हो रहा है। आ जा, आ जा मेरा बेटा, आ जा मेरा प्यारा बेटा, आ जा आ जा मेरा लाडो बेटा, आ जा आ जा आ जा। क्यों, क्या हुआ ये बता? क्या इतना गुस्सा क्यों, इतना गुस्सा क्यों? ओए ओए ओए, आ जा मेरा बेटा। भैया पापा की बेटी है ये, पापा की महारानी है ये, प्यारी प्यारी, ठीक है ना भाई? ओ चुप हो जाओ भाई, चुप चुप चुप। तो भाई पहले चुप कराते हैं। गाइस मैं हैप्पी हो गई, पापा ने मेरे को मना लिया। मना लिया ना? आ भाई भैया मेरे बेटा मान गया है अब, ठीक है? लो अब दूध दे दो मेरे बेटा को। मेरी महारानी है ना तू, क्या है? महारानी। जोर से बोलो, गाइस को नहीं सुना? महारानी, महारानी छिपकली बोल रहे तेरे को? ये भी छिपकली है, छिपकली। अच्छा अब रोना नहीं है, ठीक है? चलो भाई सब बच्चों को अब छोड़ के आते हैं। तो रनिंग कैपेसिटी इतनी बढ़िया बढ़ गई है ना भाई, मतलब मैं डेली के चलता हूँ 14 से 15 हज़ार कदम, और आज रनिंग करेंगे जब दिखाएगा आपको। क्या है, क्यों लोग गोदी? इसको गोदी आना होता? अच्छा ले रहा हूँ मैं, फिर चालू होगी ना पैंपे भाई, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये देखो भाई, वेडनेसडे को चला था मैं 12 हज़ार कदम, थर्सडे को चला हूँ भाई 14 हज़ार, और आज का अभी भाई शाम को, भाई पूरे दिन का शाम को कैलकुलेट करेंगे भाई, क्योंकि कहते हैं ना 10 हज़ार कदम तो भाई हमें चलना ही चाहिए भाई, फिटनेस भी ज़रूरी है, शरीर है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ नहीं है भाई। सो भाई रनिंग करके आ गए यार, और बड़े यार देखो नहा के निकला हूँ फिर भी इतने पसीने आ चुके हैं, ऐसा लगता है कि मेटाबॉलिज्म भाई थोड़ा चलता ही रहता है। और अभी भाई देखते हैं आज कितने किलोमीटर भागे हैं यार। तो ये देखो भाई, आज टोटल में भागा हूँ 4.93 किलोमीटर, और ये है भाई हमारा, ये हमारे स्टेप्स। सही है यार, डेली डेली बढ़ा देंगे भाई, अभी वेट लूज़ करना है तो ज़्यादा चल रहे हैं, भाग रहे हैं, और जब वेट लूज़ हो जाएगा तो फिट रहने के लिए भाई थोड़ा चलेंगे, और हल्का सा आपको डाइट पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा भाई। सो करते हैं दिन की शुरुआत एक नई जोश और एक नई एनर्जी के साथ। चलते हैं यार, कुछ काम आ गया, चांदनी चौक कैमरे की एक्सेसरीज लेके आनी है, और एक भाई को लेके आना है ड्रोन। तो लेट्स गो भाई, बाकी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ड्रोन, किस तरह की मार्केट है। सो जुड़े रहे वीडियो के लास्ट तक भाई। तो भाई तो बैठ के गाड़ी में भाई मोहित भी आ रखे है भाई, काफ़ी टाइम बाद हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, पहले तो फ्री होते थे दोनों, अब अलग अलग काम हो गया है। पहले तो मोहित मेरे हिसाब से रोनी हर दिन चले जाया करते हैं ना, तो हर शाम हमारी वही हुआ करती, सिर्फ खाने के लिए, सिर्फ खाने के लिए, बाकी नहीं बताएगा हमें, वो गुप्त रहेगा। नहीं यार खाने पीने जाते थे, नरेला से थोड़ी सी एक आउटिंग हो जाती थी, थोड़ी बातें हो जाती थी, और भाई थोड़ा नाइट को तो आपको, दिन में तो भाई कहाँ घूमा जाता है। और आज तो गर्मी इतनी भयंकर हो रखी है ना यार, मैं आपको क्या बताऊँ भाई, ना तो बारिश आ रही है, हवा नहीं चली ना, हाँ हवा हवा, मतलब बाहर उतरते ही आग, ह्यूमिडिटी तो ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा ह्यूमिडिटी। आज सुबह रनिंग करने गया ना भाई, चक्कर आ गया था, सही बताऊँ इतनी गर्मी थी। चलो भाई तो चलते हैं चांदनी चौक के मार्केट, भाई को लेना है ड्रोन, एक्सप्लोर करते हैं कोई अच्छा मिलेगा या नहीं। भाई ड्रोन के मामले में एक चीज़ बताऊं, इतनी धांधली चल रही है नेट पे, हर कोई भाई पेलने पे लगा हुआ है, ये ले लो वो ले लो, और OLX पे मैंने भाई कम से कम भी ना 8-10 बंदों को मैंने मैसेज किया होगा, इतने सस्ते रेट डाल रखे हैं, लाख रुपये की चीज़ 30 हज़ार में, उसके बाद OLX ने वे सारे यूज़र हटा दिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैसेज दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये देख रहे हो गाइस, देखो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक के ड्रोन के, ये सब OLX ने अपने आप ही रिमूव कर दिए यार। तो भाई OLX पे भी थोड़ा संभल के रहे, अगर कोई ड्रोन लेना चाहता है तो भाई मार्केट में जाए, शॉप पे जाए, खुद चेक करे और तब लाए, वही चीज़ जो हम कर रहे हैं। पहुँच गए चांदनी चौक, और चांदनी चौक पे पहुँचते भाई पता कैसे लगता है, ये देख लो जाम भाई, राइट में बन रहा है ये मॉल, ये देखो भाई बिल्कुल चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे बन रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त मॉल है यार, बाहर बाहर से लुक देखो इसकी, इसके आगे से ही जाना है वॉक करते हुए, तब देखेंगे। और भाई सबसे बड़ी पार्किंग की बहुत समस्या रहती है यार, और ये भाई सामने देख रहे हो अभी ये पुलिस स्टेशन,
पुलिस की पार्किंग में लगा देता हूँ भाई। मेरी लास्ट वीडियो जो चांदनी चौक वाली आपने देखी होगी, उस वीडियो में भी यही खड़ी करी थी भाई। यहाँ पार्किंग पाई जाती है, बहुत कम आदमी लगाते हैं। ये है भाई वो मॉल जो बन रहा है, देखो यार कितना लाजवाब बना है। अभी ओपन नहीं हुआ है भाई, काम चल रहा है अभी। एंट्री करते ही भाई सबसे पहले गुरुद्वारा आता है, बहुत ही सुंदर चौक बना रखा है। और इधर ये स्मारक सी बना रखी है, और इधर ये स्मारक बना रखी है कोई। और ये चांदनी चौक का मेन रोड है भाई दोनों तरफ। और रिक्शा वाले तो इतने हैं भाई, आप पूछो मत, क्योंकि भाई हैवी एंट्री, हैवी जो है भाई वो बैन है, हैवी व्हीकल सारे बैन है, 20,000 रुपये जुर्माना है भाई। अभी आए हल्दीराम पे, यही दिखा भाई पास में, और हमने लिया है भाई मटर कुल्चा आ गया अपना, कोल्ड कॉफ़ी आ गया भाई। और ये है भाई राजमा चावल, जो कि पापड़ भाई, पापड़ ऐसे था भाई गल चुका है पापड़ ना थोड़ा सा, कोई नहीं देखते हैं भाई। सो करते हैं पेट पूजा भाई, क्वान्टिटी देख लो कितनी कम है भाई, बस यही है अभी, दो ही चम्मच खाई है मैंने और ये क्वान्टिटी है। कई बार ऊंचे दुकान और फीका पकवान हो जाता है। एक आ गया अपना ये वड़ा पाव, और भाई राजमा चावल, और राजमा चावल टेस्टी तो थे पर भाई क्वांटिटी बहुत कम थी। मटर कुल्चा की सा बढ़िया। ये देख लो भाई अभी हम आ गए कैमरे की मार्केट में यार, दोनों तरफ दुकानें आप देख रहे हो, कोई भी कैमरा ले लो। भाई जिस शॉप पे हमें जाना है वो ये देखो, ये रास्ता है भाई ऊपर जाने का, देख रहे हो भाई, एक आदमी जा सकता है बस, मुश्किल से एक आदमी निकल सकता है, इतनी भीड़ी भीड़ी गली है चांदनी चौक की। ऐसी है वो दुकान भाई, जहाँ आया तो पसीने आ गया मौजूद हैं। अरे भाई एक तो गर्मी इतनी है यार, मुझे आ गई है। और गाइस ये देखो भाई कितना मस्त ड्रोन आ रखा है, ये FPV का कॉम्पैक्ट वर्जन निकाल दिया इन्होंने, FPV थोड़ा हैवी है भाई। अगला यही सोच रहे ड्रोन लेने का ना, इसके साथ भाई तीन चीज़ आती है, एक ये हैंड कंट्रोलर हो गया, एक ये ड्रोन हो गया, और एक ये भाई गूगल लेंसेज हो गए। इसके साथ गूगल लेंसेज भी कनेक्ट कर सकते हैं क्या? हा? इसके साथ गूगल 1-2 वाले जो आते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं? गूगल से ठीक रहेगा इसके साथ। अच्छा, जो इसका अपना आता है DJI का। सो भाई अभी आए ड्रोन की शॉप पर, ड्रोन लेने आए थे, लेकिन मुझे देखिए यूनिक चीज़ भाई, ये देखो भाई ये पता क्या है भाई, जो 360 डिग्री हम फोटो नहीं खिंचवाते उस पर फ़ोन चेक हो जाएगा, राउंड घूमता है ये देख लो। तो मतलब आप आओगे यहाँ तो भाई सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, ऐसी बात नहीं है, कुछ अलग चीज़ें भाई देखते रहे, आजकल ट्रेंड में भी है 360 वाला है ना। किस रेंज में होगा ये वैसे? ये हमारे पास 35,000 से लेके 60,000 रुपये तक। और गारंटी वारंटी? रिपेयर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, गारंटी हमारी 3 साल की। ओके, और यहीं पे हो जाएगा रिपेयर कुछ भी होगा? हमारी अपनी फैक्ट्री है शाहदरा में, अच्छा, जिसमें हम हैंड टू हैंड करके देते थे कस्टमर। सो भाई ये सबसे बड़ी फैसिलिटी मिलती है, अदरवाइज आप लेके घूमते रहोगे, लोकल डीलर से ले लोगे ठीक हो नहीं पाएगा यार। वो यार तारों के जाल देख लो, ये तो पहचान है भाई चांदनी चौक की। और ये भाई मार्केट से बाहर निकल गया, इतनी भीड़ी भीड़ी गलियाँ है यार। अरे सामने लाल किला है, वाह लाल किला है। सो भाई आए थे, आए तो मोहित था अपने लिए लेने, भाई लेना मुझे पड़ गया यार क्योंकि मुझे पसंद आ गया। अरे इनकी मेहरबानी है भाई, ये सारी मोहित की। और भाई ये वाला ले रहे हैं तो अपना ही, तो ये भी हाँ दोनों ही अपने हैं। ये लिया भाई RC कंट्रोलर के साथ, ये तो ड्रोन ले लिया हमने, ये देखो अब भाई शॉर्ट्स भी बड़ी ज़बरदस्त आने वाली है। और ये हो गया भाई हमारा रिमोट RC का, अब साला फ़ोन कनेक्ट करने की भाई झंझट ही ख़त्म हो जाएगी, सीधा IC में चलेगा। सो चलते हैं लेके ड्रोन भाई, अच्छी अच्छी वीडियो शूट करते और आपके आगे पेश करते हैं आपकी खिदमत। चलते हैं भाई अब घर की तरफ, ड्रोन ले लिया है भाई, मोटा खर्चा हो गया भाई आज तो। 1,10,000 का ड्रोन था जो लिया है भाई। चलो कोई नहीं भाई, आप लोगों के लिए बस अब सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर दो। चलो मोहित चलिए भाई, चलो भाई गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है भाई, जो गर्मी ने हालत टाइट करी है ना आज, जितनी बारिश हुई है ना सारी गर्मी देगी अब तो। गाइस आ गए भाई नरेला, चलो मोहित को बोलते बाय बाय, फिर बनाओगे कहीं तक का प्लान बढ़िया से है, ड्रोन उड़ाना भी था, वीडियो भी तो बनानी है। चलो भाई घर चलते हैं, बच्चों को दिखाते हैं ड्रोन। क्या कर रहे हो भाई? लिया है जाके अपने कार कलेक्शन के लिए। अच्छा ठीक हो रहा है, वेरी गुड। मर्सिडीज कार। दादा पापा क्या लेके आए? पापा नया ड्रोन लेके आए। FPV ड्रोन है। FPV नहीं है ये, पर इसके ना DJI मेरी फेवरेट कंपनी। ये देखो इसके ना रिमोट में ही वो है, क्या मतलब फोन लगाने की जरूरत नहीं है, रिमोट में ही LCD है। ये देखो
इसकी स्क्रीन जो है ना रिमोट के अंदर ही है। ओए भाई हग्गी दे रहा है, तू तो काट रहा है, छी गंदू। मुझे लगा फोन लेकर आओगे। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। अभी नहीं लाएंगे। अनबॉक्सिंग कल उड़ाएंगे इसको, अब रात हो गई। अनबॉक्सिंग तो करते हैं, कल उड़ा लेंगे ना। उड़ाएंगे कल, अनबॉक्सिंग कर ले भाई। हमें सब्र नहीं होता, बच्चों को तो तब होगा। इसमें टेप लगी हुई है, ये रही। आओ इधर करते हैं। मुझे मैं डांट खिलवा अगर मेरे आते ही। आलू भुजिया ले आया। अच्छा रुक जा, देख भगवान रूहानू रिमोट टूट जाता पूरा ड्रोन। अभी भगवान ये लड़की हुई ना भाई। रुक जा रूहानू, रुक जा, रुक जा रूहानू। हाँ, और ये भाई ड्रोन के साथ जो एक्स्ट्रा पंखड़ी आती है ये वो है। और ये रहा भाई हमारा ड्रोन। और भाई इसके आगे जो देख रहे हो ना आप, ये दो सेंसर होते हैं। जब भी हम ड्रोन को उड़ाएंगे और उसके आगे कुछ आ गया तो ये टकराएगा नहीं किसी चीज़ से, वही रुक जाएगा। ये दो है वो सेंसर। और ये ध्रुव कर रहा है अनबॉक्सिंग। ओ वाओ क्या स्क्रीन है डिजिट। ये ऑन कर देख, रुक जाओ ऑन होने दो स्क्रीन को। अरे ऑन हो भाई, अब हो गया ऑन। ये देखो DJI, इसके अंदर खुद का ही एक फोन है अपना रिमोट के अंदर। ठीक है, ये स्क्रू ड्राइवर है, बाई चांस ये पंखड़िया टूट गई तो उसको चेंज करने के लिए है। ओके ओके, डिवाइस इज स्टार्टिंग। तो मैं तुझे एक बात बताऊं, पापा मेरे लिए लेकर आए। पापा कहते हैं तेरे नया ड्रोन लेकर आ रहा हूं, तू सीखियो, तू हैंडल करियो। हां कोई भी उड़ा लेना भाई, दे दोगे? और क्या, मेरे हाथ में। और क्या, क्या बात है। चलो खाना खा लो। पापा देखो कितना मस्त वॉलपेपर आया। देखो वॉलपेपर इसका, इसके आगे भी और इसके पीछे भी है। क्या कह रहे हैं? ये टकरा क्या रहा है? इसके इधर भी है और इधर भी है। अच्छा भाई ये पता है क्या कह रही है? ये कह रही है, ये देखो इसके नीचे भी पंखड़ी है और इसके ऊपर भी पंखड़ी है। जब ये ओपन होगा ना, देखो ओपन करके दिखाता हूँ। देखो अब आ गई चारों पंखड़िया ऊपर, हो गई, आ गया समझ में? चल हमारा तो जिसमें फोन कनेक्ट होता ना इसके वो यहाँ पर थे, पर इसमें देखो पीछे। ये मुझे खाइयो, ये मुझे खा लो जान से। आराम से गिराना नहीं है रुआनो। ओके, कितना मोटा हटा। ठीक है ओके। क्या कह रहा है? अगर कम मोड़े के ऊपर उड़ाया ना तो ना फोट मारूंगी। क्यों मारेगी? अगर कंबर से के अंदर उड़ा मैं मारूंगा तेरे। 1 2 मैं खतर लगता है नहीं। अच्छा वार्निंग दे दिया भाई, रूम के अंदर नहीं उड़ाना है। चलो गाइस तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और भाई आने वाले व्लॉग और भी शानदार है, नेक्स्ट व्लॉग में इसको उड़ाएंगे क्योंकि अब हो चुकी है रात। हाँ चलो सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।